नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण मलिक अपने इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आज बुधवार का दिन है और बुधवार के दिन बड़े बुधवार में हम एक ऐसे स्टॉक की चर्चा करते हैं जिसने एक बड़ी चाल बनाई, जो आज का टॉप गेनर रहा। तो हम इन स्टॉक का विश्लेषण केवल दो मिनट में कर लेते हैं, जस्ट लाइक मैगी नूडल्स। चलिए जल्दी से लैपटॉप पर चलते हैं और देख लेते हैं आज का टॉप गेनर कौन सा रहा। तो यहाँ पे मैंने मनी कंट्रोल की वेबसाइट खोली हुई है, चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि आज का टॉप गेनर कौन सा रहा। तो आज का टॉप गेनर रहा TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। इसने करीब करीब 2.5% की बढ़त देखी। तो चलिए ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं और TCS का चार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने TCS का चार्ट खोला हुआ है और इसमें पुरानी आकृतियाँ दिख रही हैं। ये आकृतियाँ हमने 3 जुलाई को बनाई थी। तो 3 जुलाई को हमने TCS का विश्लेषण किया था, जिसमें TCS उस दिन का टॉप लूज़र था। चलिए जल्दी से देख लेते हैं कि हमने क्या कहा था। इसकी अभी दूसरी वैली बननी बाकी है, हो सकता है जो आज की रेड कैंडल बनी है वो दूसरी वैली बनाने की तैयारी कर रही है। तो हो सकता है भाव थोड़ा सा नीचे आए, फिर ऊपर जाए और यहाँ पे ब्रेकआउट दे जाए। तो ये 3 जुलाई की कैंडल है, उस दिन TCS ने करीब करीब 1.30% की गिरावट देखी थी और ये कैंडल अच्छी नहीं बनी थी। और उसके बाद जैसा कि हमारे पुराने विश्लेषण में कहा गया है कि TCS ने थोड़ी सी और गिरावट देखी और उसके बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़त देखी। चलिए जल्दी से हम पुराने वैली एंड कैनियन के टारगेट निकाल लेते हैं। तो ये कैनियन की डेप्थ है, करीब करीब 372 पॉइंट्स की डेप्थ है, तो इसको ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो TCS ने अपना टारगेट पूरा कर लिया है और उसके बाद TCS ने थोड़ी सी गिरावट देखी। तो चलिए इसको हटा देते हैं। और TCS ने जब टारगेट पूरा किया तो ये पुराने बड़े वाले वैली एंड कैनियन के नेकलाइन के ऊपर निकल गया। तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट मिला था, 18 जुलाई को अच्छी कैंडल बनी और अच्छा ब्रेकआउट मिला और ये बड़े वाले वैली एंड कैनियन के ऊपर निकल गया। तो अगर आप TCS का पूरा विश्लेषण देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने ऊपर छोड़ दिया है, तो आप उसको क्लिक करके देख सकते हैं। तो उस वीडियो में आप TCS का मासिक चार्ट और साप्ताहिक चार्ट का विश्लेषण देख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से एक साप्ताहिक चार्ट को देख लेते हैं। तो ये साप्ताहिक चार्ट में बड़ा वाला वैली एंड कैनियन पैटर्न दिखाई दे रहा है, जो 3 जुलाई को पूरा नहीं था लेकिन अब ये पूरा हो गया है और यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट मिल गया है। और ब्रेकआउट के बाद पुलबैक भी हुआ और आज की कैंडल काफ़ी अच्छी बनी है, कैंडल ने इस नेकलाइन पे बाउंस लिया है। तो सप्ताह का एक दिन बचा है, अगर वीकली क्लोजिंग अच्छी आ जाती है तो TCS एक पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बहुत ही अच्छा कैंडिडेट होगा, लेकिन आज भी हम बोल सकते हैं कि TCS में पोजिशनल ट्रेडिंग करी जा सकती है। चलिए TCS का पोजिशनल ट्रेडिंग का टारगेट निकाल लेते हैं। तो ये वैली की डेप्थ है, तो इतना ही हम ऊपर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है कि TCS यहाँ से करीब 1100 पॉइंट ऊपर चला जाए, तो TCS का टारगेट आ सकता है करीब करीब 5400। तो चलिए आज का विश्लेषण समाप्त करते हैं, लेकिन इस वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हम जो विश्लेषण करते हैं ये रैंडमली करते हैं। हम बुधवार का टॉप गेनर देख लेते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं। इन स्टॉक्स में मेरी बेचने या खरीदने की कोई राय नहीं होती, हम ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए करते हैं। तो आशा है आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया है तो ज़ोर से एक थम्स अप दीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। नमस्ते और धन्यवाद।